कुशल कैसे बने ये भी जिम्मेदारी सरकार की है, क्योंकि कुशलता आप में अपने आप नहीं आएंगी। हाँ, आपके अंदर गुण विद्यमान है, किसी भी चीज को ग्रहण करने की गुण विद्यमान है, बस उस गुण को ऊपर अगर कोई बढ़ाना चाहे, उस गुण को निखारना चाहे, तो आपको गुरु की जरूरत है और वो गुरु का व्यवस्था करना ये सरकार की काम है। तो बहुत सारी चीजों के सोचने के बाद जब अग्निवीर पे आते हैं तो एक चीज तो समझ में आती है कि हमारे देश में युवाओं में सृजनता की कोई कमी नहीं है। हमारे देश के युवाओं में काम करने के प्रति बहुत ही रुझान है। हमारे देश के युवाओं में ज्ञान की कोई कमी नहीं है। हमारे देश के युवाओं में कहीं कोई कतई काम चोरी का लक्षण नहीं है। कमी है तो किस बात की, वो चाह के भी कुशल नहीं बन पाते हैं, उन्हें ट्रेनिंग की कमी है। अगर किन्हीं के पास ट्रेनिंग है तो उन्हें पूंजी की कमी है। शायद आप सहमत हो या ना हो, पसंद आया नहीं भी आ सकती है, परंतु मैं जितना तक समझ पाया, जो अब तक मैं समझाऊं, बाकी अध्ययन करने पे और भी बातें करूंगा। सरकार की नीति अच्छी है कि सर रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, कुशल जो व्यक्ति है उनको कुशल उद्यमिता का विकास होगा, कुशलता का विकास होगा, कौशल विकास होगा और आगे भी बढ़ेंगे। परंतु ये जो आपकी हमारी विरोध की एक नीति है ये गलत है। हम जहाँ पे नौकरी लेने के लिए, नौकरी करने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसी संगठन को अगर नुकसान पहुँचाएं, उसी ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुँचाएं, तो इसका समर्थन कोई नहीं कर सकता है। कमोबेश हम उसी जगह को नुकसान कर रहे हैं जहाँ से मुझे दाल रोटी कल मिलेगी, उसकी व्यवस्था के बारे में सोच रहे हैं। एक बार दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त इंजीनियर श्री हमजा, स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में। हम अपने ब्लॉग में हर रोज आपको कहानियाँ सुनाते हैं, अपनी दिनचर्या सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं और कुछ न कुछ चर्चा भी करते हैं। तो आज की चर्चा अग्निवीरों पे। माहौल बहुत ख़राब है और जो आए दिन मीडिया में, न्यूज़ में देख रहे हैं कि हमारे भाई बंधु लड़के जो युवा हैं, नवयुवक हैं, वो विरोध कर रहे हैं। विरोध संवैधानिक प्रदर्शन है, होना भी चाहिए। सरकार की हर नीतियों का मौन समर्थन भी सही नहीं है, लेकिन जो विरोध करने का तरीका है वो कतई समर्थित नहीं है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि ये जो अग्निवीर की स्कीम है, ये अग्निवीर की स्कीम का जो भी बातें सामने निकल के आई है मीडिया के थ्रू, सरकार की जो मीडिया है उनके थ्रू, या जो उनकी प्रेस रिलीज है उनके थ्रू, उनसे जहाँ तक मैं समझता हूँ और मैं अपने निजी विचार देने का अगर प्रयास करूँगा तो आप कमेंट्स में मुझे बताएंगे। अगर विचार से समर्थन में है तो ठीक है, नहीं है तो सवाल भी खड़े कर सकते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारी जो आर्मी है या डिफेंस सिस्टम है, ऑलमोस्ट अगर थल सेना, वायुसेना और जल सेना को मिला दिया जाए तो पक्का आंकड़ा तो नहीं बता पाऊंगा, मैंने सर्च नहीं किया, गूगल नहीं लिया, मैं जो भी आपसे बात कर रहा हूँ ये अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ, कोई आंकड़ा नहीं लिया मैंने, तो उसमें 8 से 9 लाख होंगे या 10 लाख होंगे मैक्सिमम, पूरी की पूरी डिफेंस को जोड़ दिया जाए, थल सेना, वायुसेना, जल सेना, जितने डिफेंस सिस्टम में बॉटम टू टॉप, तो उसमें बॉटम कैटेगरी 70% मान लीजिए, क्योंकि बॉटम कैटेगरी में संख्या अधिक रहती है, जो थर्ड ग्रुप, ग्रुप थर्ड, सी और डी को जिसको बोलते हैं, और ये 70% मिलके आपके हो जाते हैं ऑलमोस्ट 7 लाख। 7 लाख वैकेंसियों, 7 लाख जो रोजगार हैं, 7 लाख सेना के जो जवान हैं, उन 7 लाख सेना के जवानों में ऑलमोस्ट रिटायरमेंट के हिसाब से और बजट के हिसाब से, अगर सरकारें चाहती है कि मैं नंबर्स बढ़ाऊं, हमारी डिफेंस बजट बढ़े तो संख्या बढ़ाएंगी, अगर सरकार चाहती है कि नहीं मैं डिफेंस बजट कम करूं तो रिक्रूटमेंट कम कर देते हैं, क्योंकि सेना पे जो खर्च है उसमें 2 टाइप के खर्च हैं, एक आयुध पे खर्च है, उसकी जो साजो सामान है सेना के उस पे खर्च है, और दूसरे जो सेना में व्यक्ति काम कर रहे हैं, काम करने वालों के ऊपर खर्च है, उसके बाद जो उनकी पेंशनर्स आते हैं उसके ऊपर खर्च है। इस हिसाब से सरकारें अपनी जीडीपी की जो भी परसेंटेज है वो कैलकुलेट करती हैं, कैलकुलेट करके देती हैं। अब बात ये आती है कि हम अब विकासशील से विकसित की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारी जो परिस्थितियाँ थी हम अपने नीचे वाले पायदान से ऊपर वाले पायदान की तरफ जा रहे हैं, तो कमोबेश
जब आपकी सामाजिक स्थिति जिस प्रकार हमारी सामाजिक स्थिति हमारे गांव में गिनती होती है, वैसे ही देश की अपनी स्थिति पूरे वर्ल्ड वाइज कंट्री में होती है। तो जब हम पूरे विश्व के पटल पर एक विकसित राष्ट्र की तरह पे उभर रहे हैं तो हमारी सोच भी तो विकसित करनी पड़ेगी। तो सोच जब हमें विकसित करना पड़ेगा तो उस विकसित सोच में सरकार की एक सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है कि जो भी युवा हैं उनके यहाँ, क्योंकि भारत एक युवाओं का देश है, तो यहाँ पे जो भी युवा हैं उनके कौशल विकास, उनकी रोजी रोटी, उनकी रोजगार की व्यवस्था वो करे। रोजगार का कतई मतलब नहीं होता है कि सरकारी नौकरी की व्यवस्था करे, क्योंकि अगर देश में 60 करोड़ युवा हैं 18 साल से ऊपर के, तो 60 करोड़ नौकरियों का सृजन नहीं किया जा सकता है, ये कतई संभव नहीं है। नौकरी की मतलब होती है कि आप किसी के अधीन काम कर रहे हैं और आप जिसके अधीन काम कर रहे हैं वो रोजगार कर रहा है। एक ही मतलब होता है कि आप जिसके अधीन काम कर रहे हैं वो रोजगार कर रहा है। रोजगार के बहुत सारे प्रकार हैं, मैं उस पर डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो रोजगार करने वाले बढ़ेंगे तो नौकरियां बढ़ेगी, इसके साथ में एकदम समानुपाती है कि देश में जितने रोजगार करने वाले बढ़ेंगे उतनी नौकरियां बढ़ेंगी। तो वस्तुतः सरकार अगर नौकरी का सृजन करना चाहते हैं तो सरकार को रोजगार का सृजन करना पड़ेगा, ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी चीजें यह है कि जब रोजगार बढ़ेंगी तो उसमें कुशल और अकुशल दो प्रकार के मजदूरों की जरूरत पड़ती है। तो इन दो प्रकार के मजदूर में उस कंपनी को, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, अर्ध सरकारी हो, जो भी हो, उन्हें कुशल और अकुशल मजदूरों की जरूरत पड़ती है या पड़ेगी। अकुशल मजदूर तो हमारे पास बहुत है, क्योंकि भारत 130 करोड़ की आबादी है, हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है, और रोजगार के लिए अगर हमारे अंदर में कुशलता नहीं है तो हम अकुशल मजदूर बन के रह जाते हैं। तो अकुशल मजदूरों की सरकार के पास कोई कमी नहीं है, कमी है तो कुशल मजदूरों की। आप कुशल मजदूरों के बारे में अगर तुलना करना चाहेंगे तो जापान से, चाइना से, जर्मनी से कर सकते हैं, और ये हम लोगों ने अनुभव भी किया है कि एक कुशल मजदूर की जो काम करने की तरीका है, एक जो दिनचर्या है, एक जो सोच है, और एक कुशल अकुशल मजदूरों की जो सोच है, दोनों में अंतर पड़ती है। आप कुशल कैसे बने ये भी जिम्मेदारी सरकार की है, क्योंकि कुशलता आप में अपने आप नहीं आएंगी। हाँ, आपके अंदर गुण विद्यमान है, किसी भी चीज को ग्रहण करने की गुण विद्यमान है, बस उस गुण को ऊपर अगर कोई बढ़ाना चाहे, उस गुण को निखारना चाहे, तो आपको गुरु की जरूरत है, और वो गुरु का व्यवस्था करना ये सरकार की काम है। तो बहुत सारी चीजों पे सोचने के बाद जब अग्निवीर पे आते हैं तो एक चीज तो समझ में आती है कि हमारे देश में युवाओं में सृजनता की कोई कमी नहीं है। हमारे देश के युवाओं में काम करने के प्रति बहुत ही रुझान है, हमारे देश के युवाओं में ज्ञान की कोई कमी नहीं है, हमारे देश के युवाओं में कहीं कोई कतई काम चोरी का लक्षण नहीं है। कमी है तो किस बात की, वो चाह के भी कुशल नहीं बन पाते हैं, उन्हें ट्रेनिंग की कमी है। अगर किन्हीं के पास ट्रेनिंग है तो उन्हें पूंजी की कमी है, फिर वो हमारे पास ज्ञान बहुत है लेकिन हम एक छोटी सी अपनी व्यवसाय का व्यवस्था कर पाए, हमारे पास ये कमी है। अंततः बात आती है लोन पे, लोन बहुत ही रिस्की हो जाता है, क्योंकि हम जो बड़े हैं उनके लिए लोन समस्या नहीं है, लेकिन जो छोटे लड़के हैं, जो छोटे हैं, कमजोर परिवार से हैं, समाज के नीचे तबके में हैं या मिडिल तबके में हैं, उनके अंदर कुशलता है, कुशलता में उन्हें लग रहा है कि अगर मुझे 5 लाख रुपये मिल जाए तो मैं 5 लाख रुपये से ये सृजन कर सकता हूँ, इसके साथ 4 रोजगार भी दे सकता हूँ, लेकिन अनिश्चितता भरी पड़ी है कि अगर मान लिया जाए नहीं चला पाए, समय किसी का साथ नहीं था। तो ये जो बैंक हैं या बैंकों की जो नीतियां हैं, इनके बिल्कुल ही विपरीत नीति हैं कि उन 2 लाख 4 लाख 5 लाख वालों की ऋण वसूली का जो मार पड़ता है ये हम लोग भुक्तभोगी हैं, भले 5,000 करोड़ वाले पे वो मार ना पड़ पाए, लेकिन ये 3-4 तो समाज के तबके इस चीज से डरने लगते हैं कि हम बैंक से 5 लाख रुपये लेके कोई चीज शुरू करें, क्योंकि अनिश्चितताएं भरी पड़ी हैं। कल हो सकता है कि वो जिस घर में रह रहे हैं वो जमीन बेच के लोन चुकाना पड़े, तो ये कहानी आ जाती है कि चले थे दुबे छब्बे बनने, चौबे बन के लौट आए। तो कुछ कुछ कहावतें गांव में चरितार्थ हैं और वो गड़बड़ हो जाती है।
तो मैं कहना चाहूंगा कि जब हमारी अग्निवीर की बात आती है, जिनकी भी ये सोच रही होगी, सरकारों की सोच रही होगी, उनके यहाँ काम करने वाले बड़े बड़े अधिकारियों की सोच रही होंगी, मोदी 2.0 की सोच रही होंगी, मुझे जो लगता है इसके तीन कारण होंगे। पहला, जो रोजगार हम दे रहे हैं, 7 लाख सेना है या 10 लाख की सेना है, तो सेना, क्योंकि देश को अपनी अखंडता, अपनी सुरक्षा का ख्याल है, सेनाओं में कटौती नहीं होगी। जहां तक वो, जैसे जैसे हम विकसित होंगे, हमारे हथियार आधुनिक होंगे, जरूरतें बढ़ेंगी, भारत की सीमाएं इतनी बड़ी हैं कि उनकी सुरक्षा के लिए या आंतरिक या बाहरी सुरक्षा के लिए सेनाओं की जरूरत है, तो कार्मिक तो रहेंगे। अब जब कार्मिक रहेंगे तो परमानेंट कार्मिक भी रहेंगे, टेम्प्रोरी कार्मिक भी रहेंगे, और आज भी हैं सेना में ही नहीं, भारत सरकार के किसी भी विभाग में चले जाइए, किसी भी विभाग में, मैं रेलवे में हूँ, मैं रेलवे की भी बात कर सकता हूँ, रेलवे की अगर कर्मचारियों की संख्या 14 लाख है, तो इसमें अप्रत्यक्ष रूप से काम करने वाले, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से काम करने वाले 1.5 करोड़ है, उससे अधिक ही होंगे, मुझे जहां तक लगता है 6 करोड़ होंगे, और इन 14 लाख और उस बाकी के जो 6 बच जाते हैं 5 करोड़ ना, उनके बीच में अगर वेतन विसंगति को देखिएगा तो जमीन आसमान का अंतर मिलेगा, काम का अंतर देखिएगा तो जमीन आसमान का अंतर मिलेगा। काम के अंतर में है कि जिन्हें अधिक वेतन मिला, कमोबेश उनकी कामें कम है, जिम्मेदारियां अधिक हैं, और जिनको वेतन बहुत कम मिलता है, जो ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, उन्हें काम बहुत अधिक है, हाँ जिम्मेदारियां हो सकती है नहीं, लेकिन काम बहुत अधिक है, सारे काम का दारमदार लिया रहता है। तो अब होता क्या है कि वो वही 5-10-4 हजार में किसी कॉन्ट्रैक्टर के अंदर में फंसे रह जाते हैं, काम वही हो रही है लेकिन फायदा बिचौलिया ले जा रहा है, बिचौलिया यानी कॉन्ट्रैक्टर, सरकारें कम पेमेंट नहीं देती हैं, वो मिनिमम वेज के हिसाब से कुशल और कुशल का वेज जोड़ के देती हैं, लेकिन बाजार आते आते उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो बीच वाले पैसे किसी न किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास चले जाता है, जो सरकार और उस मजदूरों के बीच के लोग हैं, आज सब जगह वही हो रही है। तो अगर हमारे रेलवे में कुशल और अकुशल, हमारे सेना में कुशल और अकुशल, एक जो परमानेंट बहालियां हैं वो तो चलेंगी ही, चल ही रही हैं, कम अधिक हर एक सरकारों का, मेरा 2002 या 3 से हम लोगों ने कंपटीशन की तैयारी शुरू की थी, कमोबेश 2009 में नौकरी में आए, उन 5 साल के दौरान में हम लोगों ने भी देखा कि कभी भी प्रत्येक वर्ष बहालियां या रिक्रूटमेंट एक जैसी नहीं होती है, उसमें विसंगतियां रहती हैं, और ये राजनीतिक परिदृश्य है या आर्थिक परिदृश्य है, इनके विषय में हम लोगों को उतना ज्ञान भी नहीं रहता। परंतु अगर ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है जिनके ऊपर सरकारें खर्चा कर रही हैं, वो अगर मूलभूत अधिकार बन जाए युवाओं का, अग्निवीर के नाम से या जिस भी सरकार की जो नामांकन होगी जिसके भी नाम से, कि 18 से 21 साल का युवा जो इंटर पास कर लिया है या ग्रेजुएशन कर रहा है, वो अगर हमारे यहाँ आए और हम उन्हें स्किल्ड बनाए, एक तरह से स्किल डेवलपमेंट के काम करें, और साथ में पैसे भी दें, और उनमें जिन बच्चों के अंदर टैलेंट है, क्योंकि आज भी 60 करोड़ युवा में 60 करोड़ युवा सरकारी नौकरी नहीं ले रहे हैं, उनमें से सरकारी नौकरियों की जब बहाली आती है, बाढ़ सी आ जाती है, उस बाढ़ में आप देख रहे होंगे कितने सारे चीज बह गए, मैं नहीं चर्चा करूंगा उस चीज पे कि एग्जाम में धांधलियां हो रही हैं, क्वेश्चन बिक रही हैं, या जिनका अप्रोच है वो ले रहा है, या जिन्होंने पटना दिल्ली बनारस में रह के तैयारी कर रही है वो तो हो जा रहे हैं, लेकिन गांव के गरीब के सामाजिक के पिछड़े पीछे हट जा रहे हैं, और जो पढ़ने में तेज नहीं है वो कोई रास्ता ब्लैक डोर अपना ले रहे हैं। तो इन सब कारण से सिर्फ उन्हीं को सुविधाएं और नौकरी मिल पा रही हैं जो उसके या तो पूर्ण रूप से लायक थे या जिनके पास कोई ना कोई दाएं बाएं की व्यवस्था थी। तो जिनके पास दाएं बाएं की व्यवस्था थी, एक तो उन पे चोट होगा, क्योंकि अब आप अपनी पूंजी ऐसे जगह पे नहीं लगाएंगे जहां पे अनिश्चितता खुद बरकरार है, और जो तेज हैं, जिनकी मेधा ये शक्ति है कि वो कंपटीशन पास कर सकता है किसी भी प्रकार की, तो वहां भी आपके पास ऑप्शन आ जा रहे हैं कि जैसे 40,000 अग्निवीर ले रहे हैं तो उसकी 25% वो परमानेंट करेंगे, अब उसके प्रोसेस जो भी हो, तो आप 10,000 वैकेंसियां हर साल फिक्स हैं, इससे अधिक कमोबेश निकलती भी नहीं है। अगर एक बार कभी आप देखते हैं 50,000 बहालियां हैं तो वो 4 साल बाद निकलती हैं, तो 10,000 फिक्स्ड है कि आप आगे जाएंगे, उसके साथ 30,000 युवा वहां से एक अनुभव लेके, एक आत्मविश्वास लेके, एक जोश लेके, और
एक ज्ञान लेके, एक किसी न किसी प्रकार की नई कौशल ग्रहण करके और उसके साथ साथ अपना 10-12 लाख की पूंजी लेके बाहर आएंगे। तो आप ये सोचिए कि जब हमारा कि मेरा जो मानना है, मैं भी जब तक नौकरी नहीं करता था लगता था कि नौकरी ही सब कुछ है, बाद में ये लगा कि नहीं, नौकरी दाल रोटी की व्यवस्था है। आप एक बार सरकारी नौकरी में आ गए, दाल रोटी आपकी नहीं कटेगी, ये व्यवस्था है। आप एक बार एक प्लेन में चढ़ने के लिए भी 40 बार सोचेंगे, आप एक 4-व्हीलर लेने के लिए 25 बार सोचेंगे। तो नौकरी सिर्फ दाल रोटी की व्यवस्था है और रोजगार आगे जाने की व्यवस्था है। तो जब आपके पास ज्ञान आ जाएगा, कौशल आ जाएगा, 10-12 लाख रुपये आ जाएंगे, आप 50% इन्वेस्ट करके अपनी बिजनेस रेडी कर सकते हैं, तो आप तो आगे बढ़ ही सकते हैं, अपने पीछे 10 लड़के को भी रोजगार दे सकते हैं, जो नौकरी का सृजन कहा जाता है। तो कमोबेश हमें लगता है कि विरोध करने का जो एक तरीका है वो गलत है, और कमोबेश विरोध भी गलत है, नहीं करना चाहिए। आप नीतियां समझिए, नीतियां मानिए, नीतियां देखिए। अगर आपके अंदर टैलेंट है, अगर आपके अंदर मेधा है, तो आप पंगु नहीं है, आप अपनी रास्ते चुन लेंगे। वैकेंसियां जितनी भी हो आपकी जगह आएंगी, आप उसके लिए पात्र हैं, तो आपके लिए नौकरी सुनिश्चित है। कभी भी किसी भी सरकारी तंत्र में 100% मजदूरी नहीं हो सकती। मैं हूं सरकारी तंत्र में, मैं देखता हूं, मुझे पता भी है। हाँ, जो लोड बढ़ रहा है, जो काम के हिसाब से जरूरतें बढ़ रही हैं, उसको कॉन्ट्रेक्चुअल से पूरा कर किया जा रहा है, तो उसको कॉन्ट्रेक्चुअल से पूरा किया जा रहे हैं। अभी ये अनियमितताएं हैं कि परमानेंट की स्थिति ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल वाले 5,000 में खट रहे हैं, जिसमें उसकी दाल रोटी भी नहीं चल रही है, सरकार है उसकी 30,000 दे रही है कॉन्ट्रेक्टर को, तो ये बीच वाले 25,000 कहां जा रहे हैं पता नहीं। तो कल चल के अगर संविदा दैनिक सरकार ही कॉन्ट्रैक्टर बन जाए, ये बीच वाले कॉन्ट्रैक्टर को हटा के सरकार ही कॉन्ट्रैक्टर बन जाए, तो 5,000 की जगह हमारे युवाओं को 30,000 मिलेगा, और उसके साथ में 3-4 साल में आपने एक स्किल ग्रहण किया, आपने एक अनुभव ग्रहण किया, आपके अंदर ज्ञान का उत्सर्जन हुआ, और उस ज्ञान के बाद आप में अगर टैलेंट है, आप में क्वालिटी है, तो आप वहीं पे परमानेंट हो गए, नहीं तो आपको उस पैसे के साथ बाहर भेज दिया गया। अब बाहर में आपके पास क्या है? पैसा है, आपके पास कौशल है, आपके पास जिस कंपनी में काम किया वहां का अप्रोच है, वहां के कुछ ऐसे बड़े अधिकारी छोटे अधिकारी हैं, अगर आपका व्यवहार कुशल रहा, आप अच्छे लड़के हैं, तो आपके पास एक अप्रोच है, और आप में फिर पैसे कमाने की अगर लालसा है, तो आप अपनी उस पूंजी से अपनी उस कौशल को बेच सकते हैं उसी जगह पे, क्योंकि काम तो उस समय भी है, और आप उस समय नौकर से मालिक बन जाए। ये अग्निवीर स्कीम पर हमारे अपने निजी विचार और राय थे, शायद आप सहमत हो या ना हो, पसंद आया नहीं भी आ सकती है, परंतु मैं जितना तक समझ पाया, जो अब तक मैं समझाऊं, बाकी अध्ययन करने पे और भी बातें करूंगा। सरकार की नीति अच्छी है कि सर रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, कुशल जो व्यक्ति है उनको कुशल उद्यमिता का विकास होगा, कुशलता का विकास होगा, कौशल विकास होगा, और आगे भी बढ़ेंगे। परंतु ये जो आपकी हमारी विरोध की एक नीति है, ये गलत है। हम जहाँ पे नौकरी लेने के लिए, नौकरी करने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसी संगठन को अगर नुकसान पहुँचाए, उसी ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुँचाए, तो इसका समर्थन कोई नहीं कर सकता है। कमोबेश हम उसी जगह को नुकसान कर रहे हैं जहाँ से मुझे दाल रोटी कल मिलेगी, उसकी व्यवस्था के बारे में सोच रहे हैं। एक बार अपनी कार्यशैली पर गौर करिएगा, हो सकता है कि आपको भी कुछ लगे ऐसी चीज़ें, और सरकार को हिलाने के लिए, सरकार को बताने के लिए, सरकार से बात करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, उन तरीकों को अपनाया जाए उचित होगा, और वैसे लड़के जो एक अनुभव, डिसिप्लिन और मेहनत से अपने अंदर में एक मेधा की प्रवृत्ति जगा कर रखे कि मैं कुछ कर सकता हूँ, उन्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए रोजगार की कभी कमी नहीं होती है, उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका दीजिए। जिनके पास ये साधन नहीं है, पढ़ना सब चाहते हैं, आगे सब बढ़ना चाहते हैं, पिछड़ जाते हैं कुछ न कुछ कारण से, उन कारणों की पूर्ति करेगी ये अग्निवीर योजना, ऐसा मेरा पूर्णतः विश्वास है। चलिए, धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले और जानकारी के साथ अगले बार अग्निवीर के दूसरे एपिसोड में। तब
तक भी जा दीजिए। हाँ, अगर हमारी बात से कुछ भी आपकी सहमति और असहमति बनती है तो कमेंट जरूर करेंगे। धन्यवाद।